प्रॉब्लम्स तो हर किसी के जिंदगी में होता है, कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है, कभी आंखें नम होती है तो कभी बिस्तर। चलो उतार चढ़ाव तो होता रहता है, प्रॉब्लम्स तो लाइफ का एक हिस्सा है, पर आज जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो एक किस्सा है। बात उन दिनों की है जब 2G का इंटरनेट भी 4G सा लगता था। एक ऐसा दिन जो मेरा लाइफ का एक हसीन पल था। मैं इतना खुश था जितना एक दूल्हा स्वागत पे होता है, या फिर मानो पबजी में प्रो प्लेयर्स को हराकर चिकन डिनर जीत लिया हो। मेरी खुशी की रौनक मेरे चेहरे पे साफ दिख रही थी। मेरी खुशी का राज था 69। नहीं नहीं नहीं, तुम जो समझ रहे हो वो वाला 69 नहीं, वो अलग ही दुनिया है, तुम उस दुनिया से बाहर आ जाओ। बात तब की है जब मैं 10th में पढ़ता था और काहे का पढ़ता था, पावर रेंजर्स देखने से फुर्सत मिले तब पढ़ूंगा ना। मैं पढ़ाई के मामले में नोबिता से भी ज्यादा कमजोर था। 10th के फाइनल एग्जाम के रिजल्ट के दिन मैंने मार खाने की पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था मैं पक्का फेल होने वाला हूँ। लेकिन मेरी आंखें और मेरे रिश्तेदारों की गान फटी की फटी रह गई जब उन्हें पता चला कि मुझे 69% मिला है। मेरे को 69% मिलना उतना ही मुश्किल है जितना पोपरलाल की शादी होना, लगभग इम्पॉसिबल। ऐसे खुशी के पल जिंदगी में कभी कभार आते हैं, लेकिन तभी 69% और इतना खुश, मैं तो 95% आसानी से ले आता। ये सुनने के बाद मेरी खुशी की तो 95%, तू 95% लगा तो टॉपर्स क्या मुजरा करेंगे? तुम दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, एक ना एक नमूना ऐसा जरूर मिलेगा जो तुम्हारे हर बात को काटेगा। कुछ दिन पहले मैंने एक नया मोबाइल लिया था, तो उसने पूछा मुझे कि कितने में लिया। मुझे पता था वो जरूर कुछ ना कुछ पकेगा, इसलिए मैंने भाव को कम करके बताया। मैंने कहा 10,000। लूट लिया, मैं होता ना तो इससे भी सस्ते में दिला देता। फाइनली मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो बिना गाड़ी चलाए लाइसेंस ले लिया। जिंदगी झंड है यार। ये तो कुछ भी नहीं, तेरे से ज्यादा जिंदगी तो मेरी झंड है। तुम कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, हर बात में कुछ ना कुछ तो हगी देंगे। ये वही लोग होते हैं जो 10 मिनट के वीडियो के स्टार्टिंग में डिसलाइक करके कमेंट में बोलेंगे मजा नहीं आया। क्या मजा क्या चाहिए तुमको, नंगा होकर नागिन डांस करूं? इनका बस चले तो ये जॉनी भैया को भी बोल देंगे। जॉनी भैया, ये तो कुछ भी नहीं है, इसे ज्यादा तो बड़ा मेरा है। जिसका टाइम पे होता भी ना हो खड़ा, वो कहता फिरता मेरा है सबसे बड़ा। मन तो करता है इनके पीछे हथौड़े से खिल मार दूं, फिर भी ये तो वही बोलेंगे। ये तो कुछ भी नहीं, इसे ऐसा तो मैं मार लेता हूँ। ऐसे नेगेटिव लोगों से जितनी हो सके दूरी बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि इनको हर सोल्यूशन में प्रॉब्लम नजर आता है, हर खुशी में आग लगाना आता है। अगर तुम किसी को मोटिवेट ना कर सको तो डिमोटिवेट मत करना, किसी की तारीफ करो या ना करो, खिंचाई तो बिल्कुल मत करना। उम्र सारी तो प्लान याद है ना, चलो इसको सबक सिखाते हैं, जाओ। ए, मैं तोता हूं और बोल भी सकता हूं। ये तो कुछ भी नहीं।